अंबेडकरवादी जागरण मंच के तत्वाधान में रविवार को भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 128वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंबेडकरवादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर बने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के जयकारे लगाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब का 128वां जन्मदिवस पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में इंजीनियर विक्रम प्रसाद, इंजीनियर श्यामदेव, राष्ट्रीय महामंत्री श्यामदेव, गौरव शेखर, लीलावती, शिखा भारती, सुमन लता, ध्रुव प्रसाद, सूरज गौड़ सहित जागरण मंच के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अंबेडकरवादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा, चंद्रशेखर राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकरवादी जागरण मंच। देखिए, आज बाबा साहब का 128वां जन्मदिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में अंबेडकरवादी जागरण मंच के तत्वाधान में अंबेडकर चौक गोरखपुर में भी हम लोग बाबा साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं और आज के अवसर पर सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हुए आशा विश्वास व्यक्त करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चल करके हम लोग अपने समाज, अपने परिवार और अपने देश की उन्नति करेंगे। आज ऐसा ही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहब के प्रति यही होगी, उनके संविधान पर इस देश को ले जाने का प्रयास किया जाए।